हेलो एवरीवन हम लोग शुरू करेंगे अभी गवर्नर जनरल और एक बार फिर एन अकेडमी के 40 परसेंट ऑफर पर गवर्नर जनरल की क्लास आपके सामने हैं चलिए जल्दी जल्दी आप लोग सब जुड़े तो जैसा कि जानते हैं कि गवर्नर जनरल का टॉपिक बहुत ही उम्दा टॉपिक में से है और सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है छात्रों के बीच वो गवर्नर जनरल को याद करना ठीक है गवर्नर जनरल को याद करना और उससे जुड़े टॉपिक ठीक है तो आज हम लेके आए हैं गवर्नर जनरल ठीक है जैसा कि जानते हैं कि लगभग सभी एग्ज़ामों में चाहे वो किसी श्रेणी का एग्ज़ाम हो उसमें गवर्नर जनरल से प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक है तो गवर्नर जनरल के बीच में अब डायरेक्ट याद रखना तो बहुत मुश्किल है उसको याद एक ही साथ पर रखा जा सकता है उसको आप कोड के माध्यम से कैसे याद करते हैं ठीक है कोड के माध्यम से यस, मासूम कश्यप सोनम रवीश प्रभु वर्षा खुशबू अविनाश तो ठीक है ना तो इस तरह से सभी एग्ज़ाम में आपके लिए सबसे बेहतर होता है कि गवर्नर जनरल से प्रश्न जरूर से जरूर रहते हैं और सबसे बड़ी बात है इसमें गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और लगभग लोगों से गलत भी होता है तो आज के बाद ये गलत होने की परंपरा दूर हो जाएगी और आप मज़े से ठीक है इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे ठीक है चलिए अब सब लोग लगभग आ गए हैं तो हम लोग अब शुरू करते हैं नहीं तो एक कोड के साथ शुरू करते हैं ठीक है ना एक कोड हमारा है वारेंग हिस्टिंग से समझे तो हम लोग सबसे पहले गवर्नर जनरल कोड बताएंगे और जो कोड है ना ठीक ठीक तो गवर्नर जनरल कोड जो है वारंग हेस्टिंग्स के ठीक है ना ये वारंग हेस्टिंग्स से कोड है ये कोड से गवर्नर जनरल का एक आपको सत्रह से लेकर अठारह तक ठीक है ना तो अठारह जनरली क्या है कि लगभग कर्जन के पहले तक का गवर्नर जनरल आपको याद रखना रहता है मतलब आपको अठारह है ना लगभग उन्नीस तक के आसपास तो आज अठारह हम करा देते हैं फिर इसका कभी किसी क्लास में हम लोग कराएंगे ठीक है कल भी क्लास है तो इसको दो तीन भाग में हम इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल के बारे में बताएंगे ठीक तो सबसे पहले ये कोड से पहले इसके जैसे वाक्सोबामी ये कोड है ठीक है ना तो इसके पहले जो गवर्नर जनरल है उसको डायरेक्ट याद करते हैं और फिर सत्रह से लेकर अठारह तक इस कोड के माध्यम से हम लोग गवर्नर जनरल को याद करेंगे ठीक है तो सबसे पहला अगर गवर्नर है और इससे संबंधित प्रश्नों के बारे में भी हम देखेंगे क्योंकि आपके प्रश्न हमेशा गलत होते हैं तो सबसे पहला गवर्नर कौन है बताइए रॉबर्ट क्लाइव सबसे तो पहला गवर्नर कौन है सबसे पहला गवर्नर कौन है रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर गवर्नर नॉट गवर्नर जनरल तो भारत की धरती पर पलासी के युद्ध के बाद ठीक है ना इससे प्रश्न जरूर पूछेगा बहुत लोग अभी आ ही रहे हैं नहीं चलिए इतना इंपॉर्टेंट सेशन है उसके बाद भी गायब भी रहते हैं ठीक है तो सबसे पहला गवर्नर बताइए आपको कौन है सब लोग जानते हैं रॉबर्ट क्लाइव अच्छा बताइए रॉबर्ट क्लाइव क्या है है ना ये बंगाल का गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव किसका गवर्नर है बताइए रॉबर्ट क्लाइव जो है वो बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव किसका गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव क्या है बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर है इसका गवर्नर है रॉबर्ट क्लाइव दूसरा गवर्नर है कि वेंसी टाट दूसरा गवर्नर कौन है दूसरा गवर्नर कौन है वेंसी टाट ठीक है वेंसी टाट दिख रहा है आपको सब लोग को तो रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले बंगाल का गवर्नर है और बहुत कम लोग को मालूम होता है सब लोग बंगाल का रॉबर्ट क्लाइव तो बोलते हैं लेकिन जैसे ही कोई पूछ देता है कि बताइए भारत बंगाल का दूसरा गवर्नर है ना भारत का दूसरा गवर्नर कौन है तो फिर कोई नहीं बताता तो आप याद रखिएगा कि पहला गवर्नर तो आप रॉबर्ट क्लाइव जान रहे हैं लेकिन दूसरा गवर्नर कभी कभी प्रश्न में पूछ देगा तो क्या करोगे है ना दूसरे गवर्नर को आप क्या करोगे वेंसी टॉट दूसरा गवर्नर कौन है वेंसी टॉट तो रॉबर्ट क्लाइव बिकेम द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल तो अब देखिए अब रॉबर्ट क्लाइव याद है बेन्सी टाट तो हमेशा भूल जाओगे भूल जाओगे ना तो कुछ नहीं करना है आपको रॉबर्ट क्लाइव नाम याद है ना और रॉबर्ट क्लाइव तो याद ही है बस से क्या हो गया बेंसी टाट बस से क्या हो गया जल्दी बताइए बस से क्या हो गया बेन्सी टाट आपको अगर रॉबर्ट क्लाइव याद है तो बस से क्या हो गया बेन्सी टाट ठीक है ना क्लियर है रॉबर्ट क्लाइव याद है तो बस क्या हो गया बेंसी टॉट क्लियर है तो रॉबर्ट क्लाइव सत्रह से सत्रह तो बेंसी टॉट किसी को याद ही नहीं रहता लेकिन ट्रिक ऐसा है कि रख के बाद रॉबर्ट क्लाइव का ब जो नाम है उससे बेंसी टाट याद कर लीजिए अगला भी याद रहेगा क्लियर है आप लोग को बताइए ये कोड क्लियर हुआ आपको मजा नहीं आ रहा है आप लोग बहुत कम लोग उपस्थित हैं क्लास में तो बात से क्या हो गया बेनसी टाट बस से क्या हो गया जल्दी बताइए बस है बेंसी टाट नहीं ये कभी ध्यान गया आप लोग को बताइए कि क्लास जो क्लास है वो अपने आप, आप याद हो जाएगा ये कभी ध्यान गया नहीं ना कभी ज्ञान दो रॉबर्ट क्लाइव नाम से बेंसी टाट याद हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव नाम से ही बेंसी टाट याद हो जाएगा ये ध्यान में गया नहीं गया ठीक है समझ रहे ना ये ध्यान में कभी नहीं गया आपको कि बेंसी याद हो जाए तो आप हमेशा याद रखिए अब आइए हम आगे फिर कोड बताते हैं थिक चलिए तो ये हो गया हमने बताया था कि सब लोग को याद रहता है क्या रॉबर्ट क्लाइव सबको क्या याद रहता है रॉबर्ट क्लाइव याद है तो ये जब रॉबर्ट क्लाइव याद है पहला गवर्नर सत्रह सौ सन्तावन से सत्रह सौ साठ प्लासिक के युद्ध के बाद सत्रह सौ सन्तावन से सत्रह सौ साठ अब पलासिक के युद्ध के बाद दूसरा गवर्नर अभी भी जो लोग ज्वाइन किए उनके लिए मैं बता दूं कि रॉबर्ट क्लाइव अब ब दूसरा गवर्नर किसी को याद नहीं रहता है तो हमने अभी एक कोड बनाया था कि रॉबर्ट क्लाइव में ब है है ना रॉबर्ट क्लाइव पहला हो गया र से रॉबर्ट क्लाइव है ना यहाँ पर ब से क्या हो गया बेंसी टॉट सबसे बढ़िया कोड नहीं ब से क्या हो गया बेंसी टॉट उसकी यह हुआ सत्रह सौ साठ से सत्रह सौ चौसठ आपको याद होगा बक्सर का युद्ध बक्सर का युद्ध के बारे में पूछ देगा कि बक्सर के युद्ध के समय गवर्नर बंगाल का गवर्नर कौन था तो आप गलत कर दीजिएगा है ना बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था तो आप गलत कर दीजिएगा पलासी के समय रॉबर्ट क्लाइव बक्सर का रॉबर्ट क्लाइव में ही टाट नाम है रॉबर्ट अब सुनिए दोबारा फिर रॉबर्ट क्लाइव आ गया दोबारा सत्रह सौ है ना संता दूसरा सत्रह सौ पैंसठ से लेकर कब से कब सत्रह सौ पैंसठ से लेकर सत्रह सौ पैंसठ से लेकर सत्रह सौ सड़सठ तक कब सत्रह सौ पैंसठ से लेकर सत्रह सौ सड़सठ तक रॉबर्ट क्लाइव फिर आ गया ठीक है ना क्योंकि बक्सर के बाद इसको फिर भेजा गया सत्रह सौ पैंसठ से लेकर कब सत्रह सौ सड़सठ तक दोबारा फिर आ गया फिर आ गया दोबारा लो तो आप याद रखिएगा और चौथा गवर्नर है कर्टियर चौथा गवर्नर कौन है चौथा गवर्नर है कर्टियर जो कि सत्रह से सत्रह चौथा गवर्नर है सत्रह से सत्रह चलिए सभी स्टूडेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके लिए तो मैं दिन भर रात भर टाइम निकालता ही हूँ तो कम से कम ज्वाइन करते सबसे पहले लाइक सब्सक्राइब शेयर और सबसे बड़ी बात कि आधा घंटा मेरे साथ रुकिए ठीक है ना साढ़े नौ बजे क्लास लेता हूँ इतनी अच्छी क्लास रहती है फ्री में है तो इतना भी क्या है नहीं तो अच्छा लगता है क्लास लेने का मन करता है तो समझ रहे ना तो यहाँ पर है बिहार स्पेशल भी मैं लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द आप लोग को बिहार स्पेशल का जिके आपके पास बिहार स्पेशल का जिके बहुत ही जल्दी आपके पास रिसर्च करके मैं लूँगा बिहार स्पेशल का जीके आपके लिए हम बहुत जल्द ले आ रहे हैं तो उसको है ना और मैं बिहार स्पेशल का चार पाँच पन्ने का नोट्स तैयार करूंगा उस चार पाँच पन्ने में सारा क्वेश्चन लड़ जाएगा ठीक है ना तो आप लोग रहिएगा बिहार स्पेशल के लिए क्योंकि बिहार स्पेशल की जिम्मेदारी मेरे पास है हम थोड़ा बहुत बिजी थे सुपर टेट का बैच था और वो बैच मेरा खत्म हो रहा है तो मैं खाली भी हो जाऊँगा और दूसरी चीज़ कि बैच में मर्ज भी कई कर रहा हूँ तो करंट का टाइम है तो बिहार स्पेशल बहुत चुनौती है आप लोग को याद करना तो हम ही पढ़ के यस क्वालिटी भी देते हैं थैंक यू अंजलि और तो हम ही पढ़ के आप लोग के लिए प्रयास करूंगा कि रट्टा मरवा दूं और कॉन्सेप्ट दे दूं कोड दे दूं ताकि अब देखो जो लोग रॉबर्ट अब देखिए कार्टियर हो गया सत्रह से सत्रह ये आपका गवर्नर हो गया अब जो लोग इसको देखिए अब यहाँ पर हमें एक कोड बता रहे हैं आपको अब फिर वारेन हिस्टिंग से कोड देंगे तो शुरू के चार गवर्नर लगभग बहुत लोगों को नहीं याद आते हैं और मैं आपके आज पहला बार अपने पूरे कैरियर में वार एन हिस्टिंग से पहले का गवर्नर का कोड देने जा रहा हूँ आज तक नहीं दिया हूँ किसी को दिया हूँ बताओ नहीं अब देखो ये आपका कोड कितना खतरनाक है समझिए कोड है आपको रॉबर्ट क्लाइव कोड क्या है देखिए कोड क्या है इसको और छोटा मैं करता हूँ हमारा जो कोड है दिख रहा है ना सबको इसको मोबाइल में नहीं दिखेगा वो थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा ठीक है हाँ अब अब देखो ये कोड हमारा है रॉबर्ट क्लाइव आपका कोड क्या बताइए दिख रहा है सबको यस और नीचे लेता हूँ कोड है हमारा रॉबर्ट ठीक है कोड है हमारा रॉबर्ट ठीक है कोड हमारा है रॉबर्ट ठीक है ना रॉबर्ट क्लाइव क्या कोड है रॉबर्ट क्लाइव एक नाम याद रखिए और सारा नाम जपिए राम नाम, नाम जपिए ऐसा कोड कौन देगा बताओ रॉबर्ट क्लाइव इतना जादू वाला कोड है समझिएगा यह ज्ञान जी एस रिसर्च फाउंडेशन ज्ञान आई एस नहीं आप कभी सोचे नहीं होंगे कि रॉबर्ट क्लाइव में पांच गवर्नर का नाम छिपा हुआ है मत साध दो तुम लोग लेकिन ऐसे भोगे रहोगे तो खूब अच्छा अच्छा क्लास भी देंगे तुम लोग तो खाना पीना है ना अस्सी स्टूडेंट एक सौ अस्सी स्टूडेंट हो उनको नहीं लगता है कि सारे के लोग अगर आधा घंटा रुक जाए एक गवर्नर में कभी सोचा होगा तुम लोग कि पांच गवर्नर का नाम है रॉबर्ट क्लाइव बच्चा बच्चा जानता है लेकिन हिंदुस्तान का पहला टीचर है मैं बता रहा हूं रॉबर्ट क्लाइव में पांच गवर्नर है। पहला और मैं ओपन चैलेंज करता हूं आपको नहीं याद था लेकिन आज के बाद जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कब भी नहीं पूरी लाइफ पूरी लाइफ एक गवर्नर में के नाम में पांच गवर्नर का नाम है टेक्निक एक गवर्नर में पांच गवर्नर का नाम है देखिए आप कैसे एक गवर्नर में आपको पांच गवर्नर का नाम है ठीक है ठीक <स्याति> देखिए सबसे पहला रहस्य क्या हो गया रॉबर्ट क्लाइव रहस्य क्या हो गया रहस्य क्या हो गया बताइए रॉबर्ट क्लाइव अवश्य हो गया विन, विन से क्या, क्या हो गया से हो गया बेंसी टॉट दूसरा गवर्नर बेंसी बेंसी बेंसीटॉट बस से क्या हो गया बेंसी टॉट क्लियर है रॉबर्ट क्लाइव अब बस से क्या हो, हो गया बेंसी टाट ठीक है फिर आपको दोबारा फिर रॉबर्ट क्लाइव आ जाएंगे दोबारा क्या होगा फिर रॉबर्ट क्लाइव दोबारा फिर रॉबर्ट क्लाइव दोबारा फिर रॉबर्ट क्लाइव ठीक है ना और रॉबर्ट क्लाइव के बाद फिर क्या होंगे आपको हो जाएगा? इसके बाद क्या होगा? हो गया वेरिलिस्ट क्या हो गया व से वेरिलिस्ट अब फिर क्या हो जाएगा क से कार्टियर क तो से कार्टियर क तो से कार्टियर क्लियर जो कार्टियर है सत्रह सौ उनहत्तर से सत्रह सौ बहत्तर है सत्रह सौ उनहत्तर से सत्रह सौ बहत्तर क्लियर है तो रॉबर्ट क्लाइव सत्तावन से साठ साठी साठ साठ से पैसठ इसी से क्लियर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव दो बार पैंसठ से है ना सत्रह सौ पैंसठ से सत्रह सौ उनहत्तर और उसके बाद क्या हो गया सड़सठ से पैंसठ से रॉबर्ट क्लाइव दूसरा का पैंसठ से सरसठ पैंसठ से हो गया सरसठस से उनहत्तर पैंसठ से रॉबर्ट क्लाइव पैंसठ से सड़सठ रॉबर्ट क्लाइव कब से कब पैंसठ से सड़सठ दोबारा रॉबर्ट क्लाइव कब से कब हो रहा है क्लियर रखिएगा डेट दोबारा रॉबर्ट क्लाइव सत्रह सौ सत्रह सौ पैंसठ याद रखिएगा एक नाम इसमें छूट गया है सत्रह सौ पैसठ से लेकर सत्रह सौ सड़सठ ठीक और एक नाम इसमें छूट गया था क्या वो वो नाम था आपका वो नाम था क्या वेरलेस्ट वेरलेस्ट तो क्लियर है तो आप नाम याद रखिएगा कि फिर से हम बता रहे हैं कन्फ्यूज मत होइए पहले मैं एक काम करते हैं पहले गवर्नर का नाम ही लिख देते हैं ठीक है कन्फ्यूज मत होइएगा एक मैं गवर्नर का पहले नाम ही लिख देता हूँ ठीक है सबसे पहले देखो कौन बने सबसे पहले रॉबर्ट क्लाइव सबसे पहले कौन बना रॉबर्ट क्लाइव चलिए रॉबर्ट क्लाइव कोड याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बस से क्या हो गया बेंसी टाट क्या हो गया बेंसी टाट दूसरा गवर्नर hmm. कौन बना बेंसी टाट दूसरा गवर्नर कौन बना बेंसी टाट दूसरा गवर्नर कौन बना बेंसीटाट तो दो सेकेंड गवर्नर नाम याद हो गया र रॉबर्ट क्लाइव बेंसी टाट रॉबर्ट क्लाइव बेंसी टाट रॉबर्ट क्लाइव बेंसी टाट ठीक है ना तो रॉबर्ट क्लाइव दो बार बना एक बार यहाँ फिर बेंसी टाट अब फिर बना है रॉबर्ट क्लाइव फिर कौन बना फिर बना रॉबर्ट क्लाइव फिर बना यहाँ पर रॉबर्ट हाँ क्लाइव क्लियर अब डेट भी लिख दीजिए लगे हाथ ताकि कन्फ्यूजन ना हो तो डेट यहाँ पर लिखिए सत्रह सौ से सत्रह साठ तो फिर लिखिए सत्रह सौ सत्रह सौ साठ से लेकर सत्रह सौ चौसठ फिर लिखिए फिर लिखिए पैंसठ से लेकर सत्रह सौ पैंसठ सत्रह सौ पैंसठ सत्रह सौ पैंसठ से लेकर सत्रह सौ सरसठ क्लियर हो गया बताइए क्लियर हुआ अब फिर वेरे लस्ट वेरे लस्ट ये तो जल्दी याद ही नहीं रहता मान लो कहीं पूछ दिया वेरे वेरे लस्ट अब ये भाई साहब बने सत्रह सौ सड़सठ से सत्रह सौ उनहत्तर अब ये पांचों नाम हम एक ही कोड में बताने जा रहे हैं सत्रह सौ सड़सठ से सत्रह सौ उनहत्तर सत्रह सौ सड़सठ से सत्रह सौ उनहत्तर और एक है कार्टियर इसके बाद क्या है कार्टियर याद रखिएगा कार्टियर पर आपको है कर्टियर कर्टियर क्लियर है और कर्टियर भाई साहब है सत्रह सौ उनहत्तर से सत्रह सौ अब इसको मैं कोड बता देता हूं अच्छे से याद रखिएगा और फिर उसके बाद वारे सत्रह सौ उनहत्तर से लेके सत्रह सौ सत्रह सौ उनहत्तर से लेके सत्रह सौ बहत्तर नहीं और इसके बाद क्या हो जाएगा हेस्टिंग्स बहुत बहुत बड़े गवर्नर जनरल भारत बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारिंग हेस्टिंग्स शुरुआत में बताइए बंगाल में कितने गवर्नर बने आपसे क्वेश्चन एक गवर्नर दो गवर्नर तीसरा गवर्नर चौथा गवर्नर पांचवा गवर्नर और छठा गवर्नर वारिंग हेस्टिंग की पोस्टिंग गवर्नर जनरल पर नहीं हुई थी वारिंग हेस्टिंग्स की पोस्टिंग बंगाल के गवर्नर पर हुई थी और वारिंग हेस्टिंग्स बंगाल के ये क्या बने थे वारिंग हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बने थे ये बने थे है ना गवर्नर ऑफ बंगाल ये बने थे बंगाल के गवर्नर है ना और सत्रह सौ तिहत्तर के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद ये बन गए बंगाल के गवर्नर जनरल सत्रह सौ चौहत्तर से कब से सत्रह सौ चौहत्तर से कब से सत्रह सौ चौहत्तर से क्लियर हुआ तो बहुत कम बंगाल के कितने गवर्नर बने जल्दी बताइए तो बंगाल के रॉबर्ट क्लाइव बेंसीटाट फिर रॉबर्ट क्लाइव फिर वेडलेस फिर कर्टियर फिर वारेंग हेस्टिंग आदमी कितने हुए ये देखिए रॉबर्ट क्लाइव एक बेंसीटाट दो ये तो फिर हो गया वेडलेस तीन कर्टियर चार और वारेंग हेस्टिंग पाँच छठा टर्म लेकिन पांच व्यक्ति बंगाल के गवर्नर बने अब पांचवा गवर्नर था वारेंग हेस्टिंग जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना याद कैसे होगा याद कैसे होगा है ना याद कैसे होगा ठीक है ना याद कैसे होगा जल्दी बताइए अब याद करने का तरीका है ना अब याद करने का तरीका क्या है अब हमने एक कोड बनाया अब पहला गवर्नर को मिटा दे रहे हैं इसका डेट हटा दे रहे हैं गवर्नर को रहने दे रहे हैं पहला गवर्नर को हम रख रहे हैं ठीक है ना हमने गवर्नर को पहला लिखा रॉबर्ट क्लाइव क्या लिखा क्या लिखा यहां हो गया रॉबर्ट क्लाइव अब सुनिएगा रॉबर्ट है ना क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव ठीक है क्लियर है सब लोग ध्यान समझिएगा तो रह से तो रॉबर्ट क्लाइव हो गया से क्या हो गया पहला गवर्नर रह से क्या हो गया सब लोग बताइए पहला गवर्नर अब्बास से क्या हो गया दूसरा गवर्नर दूसरा गवर्नर फिर रस से क्या हो गया तीसरा गवर्नर अगर अगर फिर से क्या हो गया वन एंड थ्री रॉबर्ट क्लाइव हुआ वन एंड थ्री क्या हुआ रॉबर्ट क्लाइव रॉबर्ट क्लाइव बेंसी टाट फिर रॉबर्ट क्लाइव फिर क्या है चौथा गवर्नर लाइव में लास्ट वाला याद रख लो चौथा गवर्नर कौन है चौथा गवर्नर फिर याद रखो कार्टियर तो से हो गया कार्टियर ये हो गया आपका एक दो तीन अगर टर्मोलॉजी देखो अगर नाम देखो अगर नाम ही याद रखना है एक दो और है ना कट एक दो रखो तीन ये हो गया तीन हो गया चार और पांचवा भी गवर्नर वह से वारिंग हिस्ट्रिक्स वह से वारिंग हिस्ट्री व से वह से वेरलेस्ट और वह से वारिंग हिस्ट्रिक्स सबको क्लियर है मैं दूसरे पेज में बताता हूं मैं दूसरे पेज में देखिए यहां पर यहां पर देखिए यहां पर देखिए आप लोग ठीक है देख रहे हैं आप लोग ये गवर्नर का है स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप देख रहे हैं ना तो सबसे पहला गवर्नर हमने क्या बताया सबसे पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव पहला गवर्नर र रॉबर्ट क्लाइव र रॉबर्ट क्लाइव याद करिएगा र रॉबर्ट क्लाइव र रॉबर्ट क्लाइव से रॉबर्ट क्लाइव क्लियर है अब देखिए यहां ब बा है ब से बेंसी टाट ब से बेंसी टाट बेंसी टाट ब से बेंसी टाट ठीक दूसरा गवर्नर बस से बेंसी टाट फिर देखो रॉबर्ट र से कुछ नहीं है रॉबर्ट ल से कुछ नहीं क से क से क से क्या हो गया बताइए है ना क से क्या हो गया कर से क्या हो गया कर्टियर रॉबर्ट रॉबर्ट क्लाइव ल से कुछ नहीं क्ला ई से कुछ नहीं आ फिर वह है वह से क्या हो गया बताइए वेरेलिस्ट स्ट सॉरी वेरेस्ट ठीक है आप फिर वहां से क्या हो गया बताइए वारिंग हेस्टिंग्स सारे गवर्नर तो हो गए आपके सारे गवर्नर तो आपको हो गए बताइए खाली यही देखना है खाली यही देखना है आपको ठीक है ना वेंसी टाट के बाद है ना वेंसी टाट के बाद क्या होगा वेरे लैसट होगा इसको उलट पलट दीजिएगा इधर के इधर कर दीजिएगा इधर के इधर कर दीजिए तो रॉबर्ट क्लाइव में ही एक नाम में पांच गवर्नर एक नाम में पांच गवर्नर अगर आपको रॉबर्ट क्लाइव पर नाम पर ही प्रैक्टिस कर लीजिए तो बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बस हो गया बेंसी टाट बस हो गया बेंसी टाट रॉबर्ट हो गया कस हो गया कर्टियर जो कि बाद में बनेगा और वस हो गया वेरे और हेस्टिंग्स तो कर्टियर याद रखिए कर्टियर के पहले वेरे है कर्टियर के पहले क्या है Verilest है, Verilest है? 700, से है? कब कब से सर... से तो तो टियर के बाद बना था वारिंग हेस्टिंग के, के बाद बना था तो रॉबर्ट क्लाइव इस नाम में पांचों गवर्नर जनरल के नाम हैं अभी तक ये कभी आप लोग सोचे थे कि ऐसा भी हो सकता बताओ मैं अपने पूरे आज ये पहला बार क्लासरूम में ही कोड बना रहा हूँ बारह साल के करियर में ये कोड मैं पढ़ाते हुए पहली बार बना बाकी कोड तो कई बार पढ़ाया हूँ लेकिन रॉबर्ट क्लाइव का कोड आज पहली बार बना इसलिए पुराने स्टूडेंट सोचते होंगे ये पता नहीं सर कहाँ कहाँ कोड छुपा के रखते हैं कोड छुपा के नहीं रखते हैं आज हुआ कि ऊपर वाला कोड तो हम ही को नहीं याद रहता था कि रॉबर्ट क्लाइव के बाद बेंसी टाट वेरेस है ना बेन्टाट वेरे लेस कर्ट कर्टियर याद रखिएगा यहां पर कि वारंग हेस्टिंग किसके बाद बना था तो वारंग हेस्टिंग कर्टियर के बाद बना था कर्टियर सर उनहत्तर से बहत्तर तो आपको गड़बड़ नहीं होगा बन गया ना किराने किराने होइए ना सर स्क्रीन शॉट लेना है तो ले लो हो गया हो गया चलिए अब इसके बाद नहीं स्पीड बढ़ा के क्या करना है स्पीड स्लो रखिए नहीं तो फिर एक्सीडेंट होगा ना पढ़ने के बाद भूलने की आदत होती है ना तो बार बार पढ़ना है आपको बार बार इसलिए इतना बार यहीं पढ़ लीजिए कि फिर हमको मालूम है मुझे मुझे बहुत अच्छा से मालूम है कि टाइम देने से क्या होता है टाइम देने से तीन साल जब छः महीना बाद क्वेश्चंस बनाइएगा तो जल्दी से निकल जाएंगे उड़ जाएगा एकदम हंड्रेड नहीं एक करोड़ परसेंट गलत होता है लेकिन पहली बार पढ़ रहे हैं तो पहली बार टाइम दें ठीक है ना इतना टाइम दीजिए कि हमको छह महीना में छ या छिहत्तर बार पढ़ना ना पड़े अब इनका काम देखिए थोड़ा सा कोर्ट तो हो गया अब इन महोदयों ने क्या क्या काम किया जो क्वेश्चंस पूछा जा सकता है सारा तो नहीं बताएंगे लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वही बताएंगे ठीक है ना तो आज के बाद आपको वारिंग देखिए पहले कोड बता दें कि काम बताएं पहले अब बताओ जल्दी बताओ पहले कोर्ट बताएं कि काम बताएं तो जब रॉबर्ट क्लाइव के बारे में देख रहे हैं ठीक है तो रॉबर्ट क्लाइव महोदय क्या काम किए समझे ना रॉबर्ट क्लाइव महोदय ने पहला काम क्या किया तो ऐसा कौन सा दो तीन काम है जिसको आप याद रखना चाह रहे हैं जो तो पूछेगा सबसे पहले दो बार बने दो बार बनने वाले गवर्नर हुए और शायद हमें मुझे लगता है कि दो बार बनने वाले एकमात्र गवर्नर हुए तो पलासी की विजय हुआ पहला याद सब बच्चा बच्चा जानता है और ये मैटर आपको दिखाई दे रहा है यस यस आपको मैं पंचायती राज पर भी ऑनलाइन क्लास लूँगा बहुत अच्छा ठीक है ना तो सत्रह सत्तावन से सत्रह सौ साठ ये इनका टर्म रहा पलासी के विजय छोड़ दीजिए पलासी के विजय कोई जरूरी नहीं है है ना इसके बाद बंगाल गवर्नमेंट ने सबसे बड़ी बात है कि रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जो हम लोग जानने जा रहे हैं कि बक्सर के युद्ध में सफलता के बाद मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय से जब दोबारा बन के आया ये जब दोबारा गवर्नर बन के आया रॉबर्ट क्लाइव तो द्वैध शासन बंगाल में क्या हुआ द्वैध शासन अब देखिए द्वैध शासन में पांच क्वेश्चन बनते हैं हम बताएंगे आपको बाद में सत्रह में इसने इलाहाबाद की संधि की कौन सी संधि की इलाहाबाद की ध्यान से समझिएगा ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत बार पूछा जाता है कि इलाहाबाद की संधि सत्रह सौ पैंसठ में इन्होंने क्या की इलाहाबाद की संधि की वो लगता है पेज हट गया सत्रह सौ पैंसठ में इन्होंने क्या किया इलाहाबाद की संधि की ठीक है एक प्रश्न यहाँ पर है कि रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की समझिएगा बहुत बढ़िया से रॉबर्ट क्लाइव ने कौन सी संधि इलाहा की इलाहाबाद की जिससे क्वेश्चन अगर घटना चक्र उलटिएगा तो पगला की तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है पता नहीं कितना क्वेश्चन पूछा हुआ है ठीक है ना और आपसे गलती होता है आज के बाद गलती नहीं होगा देखिए छोटा सा एक मैप से समझ लीजिए छोटा सा एक मैप मैं बना रहा हूँ उससे समझिएगा इंडिया का मैप बना रहा हूँ ठीक है समझे और देखिए पाकिस्तान तो समय भारत में ही था और अफगानिस्तान भी हिंदु, हिंदुस्तान में अफगानिस्तान नहीं था ये संधि है आपकी ये आपका ईरान है फारस की सभ्यता जिसको कहा जाता है और ये आपका सऊदी अरब है और इसके बाद सऊदी अरब के बाद ये अफ्रीका चालू हो जाता है और अफ्रीका ये महादेश बीच में हिंद महासागर है और अगर आप इधर देखते हैं ज्योग्राफी आप मुझसे पढ़ते होंगे तो मैप वर्क पर आप लोग जानते होंगे कि मैप कैसा बनता है ठीक है ठीक है ठीक है, है? देखिए अब इलाहाबाद की संधि कौन सी संधि इलाहाबाद की फिर उसके बाद कोड बताएंगे बस एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए अब इलाहाबाद की संधि हुई ना ठीक तो दो संधि हुई इलाहाबाद की संधि में कितनी संधियां हुई हैं दो इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि जो कि ये इलाहाबाद की संधि हुई अगस्त अगस्त 1765 सौ ठीक तो प्रथम संधि जो हुई इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई जिसको फर्स्ट सिटी ऑफ इलाहाबाद बोला जाता है वो इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त को हुई कब हुई 12 इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई जल्दी प्रथम संधि इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त हुई। को हुई बारह को ठीक अगस्त महीना तो लिखा हुआ और ये संधि मुगल सम्राट से हुई किससे हुई मुगल सम्राट से मुगल सम्राट से और मुगल सम्राट से लाइव को बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई तो हम लोग उड़ीसा को वो बोलते हैं लेकिन हम यहाँ याद करने के लिए यू लिखे हैं बिहार बंगाल और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई ताकि हमको दे दो तुम अब रेवन्यू अब हम लेंगे क्या बोला कि अब हमको दे दो है ना अब रे पैसा हम लेंगे चलो भाई मुगल सम्राट से आमदनी था और कहा कि तुमको हम अब पेंशन देंगे क्या कहा कि 26 लाख वार्षिक पेंशन देंगे और इलाहाबाद और काड़ा और दूसरा चीज क्या करेंगे तुमको हम कह के अवध के नवाब से कह के तुमको इलाहाबाद और कड़ा दो जिला दे देंगे इलाहाबाद और कड़ा यह पहली संधि और दूसरी संधि क्या हुई इलाहाबाद की दूसरी संधि समझ रहे ना अवध के नवाब अवध के नवाब किससे सुजाउद अवध के नवाब कौन थे बताइए सुजाउदौला से अवध के नवाब किससे हुआ सुजाउदौला से मीर कासिम सुजाउदौला सुजाउदौला ही था ना अवध का नवाब कौन था जल्दी बताइए ठीक है ना अवध का नाम सुजाउदौला ही था ना तो अवध के नवाब सुजाउदौला से हुआ ठीक और इससे कहा कि सुनो तुम भी बहुत युद्ध में था ना तुम अपना अवध और अवध अपना तुम क्या करोगे इलाहाबाद क्या करोगे इलाहाबाद इलाहाबाद और ठीक है ना कड़ा इलाहाबाद और कड़ा किसको दे दोगे मुगल सम्राट को बड़ी लड़ाई में शामिल हुआ था चुनार का दुर्ग हमको तुम दोगे और पचास लाख रुपया कंपनी को दोगे लड़ाई में खर्चा हुआ था सरिया लिया ना कलाई लाइफ सरिया लिया ना लाइफ सरिया लिया ठीक है और बंगाल में क्या हुआ बंगाल में क्या हुआ ये बंगाल उस समय का बंगाल ऐसा नहीं था उस समय का बंगाल ऐसा था जानते हो उस समय का जो बंगाल था ना कुछ ऐसा था ये तो बांग्लादेश अब ना बना है उस समय तो बंगाल ऐसा था नहीं उस समय का जो बंगाल था कुछ इस तरह से था ये बंगाल था ना ये बंगाल था जी हाँ तो बंगाल में हुआ कि बंगाल में द्वैध शासन होगा बंगाल में क्या होगा बताइए कहा कि बंगाल में अब द्वैध शासन होगा कहाँ होगा लाइव ने कहा कि बंगाल में द्वैध शासन होगा कैसे होगा भाई बताइए तो कहा कि जो बंगाल के नवाब हैं वो अभी रहेंगे और गवर्नर हम हैं हम रहेंगे नवाब सारा काम करेगा कौन दीवानी नवाब का काम क्या रहेगा नहीं हाँ नवाब का काम जो रहेगा सिविल काम क्या करेगा नवाब करेगा निजामत का काम नवाब करेगा व्यवस्था ये सब नवाब देखेगा और टैक्स हम लेंगे कर हम लेंगे सेना का मालिक हम रहेंगे और सारा व्यवस्था कौन देखेगा नवाब निजामत नवाब देखेगा और दीवानी का अधिकार हमको रहेगा मतलब जमीन जायदाद टैक्स हम लेंगे मतलब नहर में पानी कैसे जाएगा नवाब देखेगा और सिंचाई टैक्स हम लेंगे लगान का पैसा हम लेंगे और अकाल पड़ेगा तो नवाब देखेगा सेना मेरे नियंत्रण में रहेगी शांति व्यवस्था कौन करेगा नवाब रखेगा नहर के सिंचाई में पानी की व्यवस्था नवाब करेगा और सिंचाई टैक्स हम लेंगे लगान से टैक्स हम लेंगे अकाल पड़ेगा व्यवस्था नवाब देखेगा इसी को बोलते हैं बंगाल में द्वैशासन जिसने रॉबर्ट क्लाइव ने स्थापना किया और यह द्वैवशासन सत्रह से लेके सत्रह तक चला जब हेस्टिंग्स आया तब यह द्व शासन समाप्त हुआ क्लियर है क्लियर है द्वस्त शासन बंगाल में बताइए बंगाल में क्लियर है ध्वज शासन ठीक है लाइक कर दियो आगे बढ़े ठीक अब देखिए अगला ठीक है अब इस तरह से बाकी तो व्यापार समिति सब इम्पोर्टेंट है नहीं और एक बहुत बड़ा बहुत ही बहुत बार पूछा गया है और डिटेल मत जानिए इसमें एक श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था कन्फ्यूजन बहुत रहता है कि श्वेत विद्रोह किसके समय हुआ था क्लाइव ने बंगाल के सैनिकों को मिलने वाला दोहरा भत्ता बंद कर दिया है ना तो सैनिकों को जब इसने सैलरी अलाउंस में जब भेदभाव किया तो सेना ने इसका क्या किया विद्रोह कर दिया क्योंकि तो इसे विद्रोह करने वाले अंग्रेज अधिक थे इसलिए इसको श्वेत विद्रोह कहा गया और संजोग से देखिए यह विद्रोह मुंगेर इलाहाबाद अर्थात बंगाल और बिहार में ही हुआ था द्वैध शासन बता ही दिए बर्क ने क्लाइव को बड़ी बड़ी नीव रखने वाला कहा है ठीक है ना? जबकि परसिवेल पर्स, स्पियर ने क्लाइव को भविष्य का अग्रदूत कहा है क्लाइव ने इंग्लैंड में जाकर आत्महत्या कर ली इंग्लैंड में जाकर क्या किया आत्महत्या कर लिया ठीक है समझ रहे कि नहीं हॉलवेल जो था क्लाइव के बाद बंगाल का गवर्नर बना था ठीक है ना हॉलवेल चलिए ठीक है क्लाइव के बाद नहीं बल्कि ऐसे हाँ बीच में यह स्थान अपन था इसको गवर्नर नहीं मानेंगे ठीक हाँ शासन लगाया था श्वेत विद्रोह समझ गया और इसने आत्महत्या कर ली थी उसके बाद हमारा जो टॉपिक था ये कोड बताए थे कोड जरूर जो लोग लेट ज्वाइन किए हैं उसको रॉबर्ट क्लाइव में ही पांच गवर्नर का नाम का कोड बताए थे जो लोग नेट जो जुए, लेट ज्वाइन किए कोड छूट गया रिकॉर्डेड कर लीजिएगा एक सबसे इम्पॉर्टेंट है कि बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था है ना बक्सर का युद्ध किसके समय हुआ था है ना वेंसी टाट याद रखेगा इसीलिए बताते थे रॉबर्ट में से क्या होगा वेंसी टाट कर्टियर इसके समय भी बंगाल में द्वैध शासन जारी रहा ठीक है ना वारंग हिस्टिंग्स या बंगाल का अंतिम गवर्नर था मतलब गवर्नर का पद समाप्त कर दिया गया अब बंगाल में अब पद क्या होगा बंगाल का गवर्नर जनरल ठीक अब इसके आगे आते हैं कोर्ट पर अब अगला कोर्ट देखिए ये शानदार शानदार अब हम लोग कहां पहुंच गए वारंग्स तक पहले बताइए सबको याद हुआ अब हम लोग कहां पहुंच गए वारेंग हेस्टिंग्स के पास नहीं कहां पहुंच गए हम लोग वारेंग हेस्टिंग्स के पास पहुंच गए अब वारेंग हेस्टिंग से कोड का लेवल आपको अलग रहेगा वारेंग हेस्टिंग से आपका एक अलग कोड है ठीक। अब देखिए सबको दिख रहा है ना मोबाइल में सबको दिख रहा है एक वारंग हेस्टिंग्स के बाद अगर नहीं दिखेगा थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा अगर नहीं दिखेगा तो जूम करके बड़ा कर लीजिएगा ठीक है ठीक तो देखिए सबसे पहला यहाँ कोड है वारेंग हिस्टिंग्स और वारेंग हिस्टिंग्स के बाद आपको यहाँ पर रेड कलर में नहीं दिख रहा है उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर कार्न वालिस है क्या है कार्न वालिस कार्न वालिस तो सबसे पहले आपको बता दें कि हेस्टिंग्स का जो कार्यकाल है वो सत्रह सौ चौहत्तर से सत्रह पचासी कब से कब है तो हेस्टिंग्स और क से क्या हो गया कार्न वाक वाक मतलब टहलना वाक है ना वाक मतलब क्या होता है टहलना वाक मतलब टहलना वारेटिंग कार्न वाल और इसके पहले तो आपको पूरा का पूरा याद करवा दिया रॉबर्ट क्लाइव के नाम पर रस से रॉबर्ट क्लाइव ब से बेंसी रॉबर्ट क्लाइव तो क्या वाला पहले बाद में करेगा वह से क्या होगा वेरेलिस्ट और फिर क्लाइव का कर्टियर अब फिर वह से क्या होगा गया वारन हम भी आश्चर्य किए कि आज तक हम इसको समझे क्यों नहीं आज तक मतलब वही होता है ना कि आदमी को सीखने की कोई उम्र है नहीं इतना दिन से हम खुद हम दो है पाँच से पढ़ाई चालू किए थे चार से आज तक ही मुझे रॉबर्ट क्लाइव में बंगाल के पांचों गवर्नर का नाम नहीं मिला और जब आज बता रहे थे तो र से रॉबर्ट क्लाइव में र से रॉबर्ट क्लाइव ब से बेनसीटाट क से क्लाइव में क से कर्टियर और वह से वेरेस्ट और वारन हेस्टिंग्स जब कोई जानता व से वारन हेस्टिंग बाद में होगा और वारन हेस्टिंग पहले कर्टियर था तो कैंडिटेर पहले एक बात किया वेरलिस्ट और फिर बेन्टाट रॉबर्ट क्लाइव आज तक की मुझे भी नहीं मालूम था तो क से हो गया तो जो वारन हेस्टिंग्स तो बैठा था गद्दी पर बहत्तर में लेकिन ये बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल इसका टाइम जो है सत्रह सौ चौहत्तर से लेकर इसका टाइम सत्रह सौ पचासी है और इसका जो टाइम है ठीक है ना इसका जो टाइम है वो है सत्रह सौ सत्रह सौ छियासी से लेकर सत्रह सौ तिरानवे सत्रह सौ छियासी से लेकर सत्रह सौ तिरानवे तो वाक हो गया और वाक सौ सौ से क्या हो गया सर जान सोर सर से क्या हो गया सर जान सो सबको दिख रहा है ना अरे तो भाई सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यस ठीक है और बताएं और बताएं कि छोड़ दें ब्लड है तो दिख नहीं रहा है और बताएं लगता है कि सबका खाना खाने का टाइम है कमेंट तो आ ही नहीं रहा तो शिवाजी में तो अपने नाम पर बताए हैं ज्ञान देव नाम दे ज्ञान तुम एक संत हो है ना राष्ट्रपति वाला बताया है, चलिए चलिए तो थो छोड़ देते हैं कल बताते हैं आप लोग का गर्मजोशी है नहीं तो हेस्टिंग से कल बताएंगे ठीक है चलिए कल फिर गवर्नर जनरल को बता देंगे ठीक है कल ढेर सारा बता देंगे गवर्नर से अब